Hi guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, मैं आज आपको कोई ब्रांच के बारे नहीं बताऊंगा या फिर कोई एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा या फिर जॉब्स के नहीं बताऊंगा या फिर कोई मैकेनिकल का टॉपिक्स नहीं बताऊंगा। आज एक नया इन्फॉर्मेशन जो आपने थंबनेल में देखा, जो एप्लीकेशन है वीडियो, स्मॉल वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन, बहुत दिन से चल रहा है, आपको पता है यूट्यूब प्लस, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। सो जो टिकटॉक का रेटिंग है प्ले स्टोर का, ये मुझे लगता है वर्ल्ड में आज तक किसी भी एप्लीकेशन के साथ नहीं हुआ है। इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ था स्नैपचैट के साथ, जब उसने इंडियंस के बारे कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोला था जो उसका फाउंडर था। बट इतना डिजास्टर, इतना खतरनाक रेटिंग में डिक्रीज ने, मतलब इतना रेटिंग में कम होना देखा नहीं गया था आज तक, ये पहली बार देखा जा रहा है। और इससे क्या हमें सीख लेना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। और एक काफ़ी शानदार मुझे लगता है चीज़ें देखने को मिला इन दिनों, वो भी क्या आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं रेटिंग के बारे में, उससे पहले बात करते हैं रेटिंग क्यों डिक्रीज़ हुआ। रेटिंग इसलिए डिक्रीज़ हुआ बिकॉज यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का या टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का चल रहा था सिलसिला, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आया, जब बहुत सारे यूट्यूबर्स के रोस्टिंग वीडियोज़ डाउन कर दिए गए, राइट। बहुत सारे यूट्यूबर्स के बारे में चीज़ें ट्रेंडिंग होने लगा ट्विटर पर, दिन भर दिन ट्रेंडिंग होने लगा बहुत सारे यूट्यूबर्स के बारे में। एक दो वीडियोस छोड़ के बहुत सारे वीडियोस वापस भी आए हैं और बहुत सारे नए भी आए हैं और बहुत सारे वीडियोस उड़ भी गए हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। और मैं बिजनेस लाइसेंस करता हूँ काफ़ी साल से, तो आज तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैंने देखा नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। इतना ज़बरदस्त खतरनाक चेंज देखा नहीं, क्या डेटा है आपको बताऊँगा मैं। उसका क्या हुआ, लोगों में थोड़ा सा जो उनके फैंस फॉलोअर्स थे थोड़े से उन्हें खराब लगा, तो उन्होंने क्या करा आपको बताया, क्या करा, अब क्या करा आपको बताऊंगा क्या हुआ एग्जैक्टली। जब मैंने देखा 4-5 दिन पहले रेटिंग देखा, मुझे पता था कुछ होने वाला है शायद, टिकटॉक का रेटिंग देखा 4.5 और 4.6 के आसपास। उस टाइम जो रिव्यूज थे टिकटॉक के 22 मिलियन थे, मतलब 1 मिलियन मतलब कितना होता है 10 लाख। अभी जो मैं देख सकता हूं जो रिव्यूज लोगों ने मतलब उसका रेटिंग करा है, रिव्यूज मतलब प्ले स्टोर पर, कितना अभी है 27 मिलियन है, मतलब 5 मिलियन लोगों ने अभी रेटिंग करा है। अगर आप रेटिंग देखेंगे प्ले स्टोर पर जाके या फिर अभी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे अभी, तो मतलब क्या है ना, 1 स्टार रेटिंग नाम के हैं, 3-4 तो है नहीं, 5 का देखोगे ऐसे है। तो ये बहुत जबरदस्त, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला लोग काफ़ी यूनिटी दिखा रहे हैं इस चीज़ में, बट यहाँ से हमें क्या सीख लेना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर हमें यूनिटी नहीं, हमें बहुत जगह पर यूनिटी दिखाना चाहिए। मतलब जैसे हमारे कंट्री को ग्रोथ के लिए, हमारे हम अगर कुछ काम कर रहे हैं अच्छाई के लिए, ऑनेस्टी के लिए, प्लस हमारे खुद के लिए, अगर हम ये 3 चीज़ करेंगे तो हमारे कंट्री अच्छा होगा, हम भी खुद अच्छा होंगे तभी हमारा कंट्री अच्छा होगा। हर चीज के लिए हमें यूनिटी दिखाना चाहिए, जैसे मान लो सफाई करना है यूनिटी दिखाना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तभी यूनिटी दिखाना है, मतलब हमें काम अच्छा करना होगा, ऑनेस्ट रहना होगा तभी हमारा काम बनेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ह्यूमिनिटी के लिए काम करना है, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना होगा। मैं सलाह क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज बाय नेचर आई एम ए टीचर, मुझे पता नहीं आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, बट मैं टीचर हूँ और मैं एक एनालिस्ट भी हूँ, मैं ऑनलाइन एनालिसिस करता रहता हूँ, तो इस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। और सीख क्या मिला कि कभी भी नेट पर उड़पड़ांग चीज़ें मत बोलो शॉर्ट टर्म इंटेंशन पाने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ ही बोलोगे उसका कुछ भी चीज़ें निकल सकता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए भी और आपके चाहने वालों के लिए भी। सो आप नेट पर कुछ भी बोलते हैं, आप थोड़ा सा जो बोल रहे हो समझ के बोला करो, वास्को आपको वो चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। बिकॉज बहुत टाइम देखा गया कि 5 साल पहले जो एक कोई पॉलिटिशियन क्या बोला था वो कॉपी निकाल के लोग अब पोस्ट करते हैं, 20 साल पहले किसने क्या बोला था क्या करा था उसके अपोजिशन वाले पॉलिटिशियन कोई और उसको प्रूफ दिखाते हैं कि आपने तो ये किया था देखो। तो ये चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि हमें ऐसे चीज़ों से बचना होगा इन फ्यूचर इंसिडेंट के लिए, खुद के लिए भी या फिर हमारे बिलोंगिंग, मतलब हमें हमारी चीज़ों को जो संभालने वाला इन फ्यूचर उनके लिए भी, ये काफ़ी ज़रूरी है। सो गाइज आई होप यू गॉट सम इनसाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस लेसन, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, लाइक करें वीडियो को, दोस्तों का जोर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू मच, बाय बाय, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।